पहले बच्चे का आप देखेंगे तो वजन बढ़ने लगता है, पीरियड्स लेट लेट होने लगते हैं, सो वी कॉल इट डिलेड पीरियड्स। तो उनको 2 महीने 3 महीने 6 महीने तक पीरियड्स डिले हो जाते हैं, और जब आगे ग्रो होते हैं तो नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा, प्रोफेसर महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज जयपुर। आज मैं आपसे पीसीओ के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहूँगी, बिकॉज आज के लाइफ में हमने देखा है कि पीसीओ की समस्या बहुत सी फीमेल्स में देखने मिलती है, राइट फ्रॉम द यंग गर्ल्स टू लेटर एज ऑफ द वुमेन। और यदि हम देखें तो हम ये पाते हैं कि अराउंड 15-20% फीमेल्स दे आर सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। सो आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू सम चैलेंजेस ऑफ दिस डिजीज। हम ये समझते हैं कि ये बीमारी एक लाइफस्टाइल बीमारी है, और पहले के ज़माने में कम देखने आती थी, आजकल बहुत कॉमन हो गई है देखते देखते। क्यों? क्योंकि हमारा एक लाइफस्टाइल इस तरह का हो गया है कि हमें शारीरिक मेहनत बहुत कम करने लगे हैं, उसके साथ ही हमारा खान पान ऐसा हो गया है कि जिसमें जंक फूड ज़्यादा है, जिसमें हाई कैलोरी फूड है, उसकी वजह से हमारे बॉडी का जो हार्मोन संतुलन है वो काफ़ी कुछ बिगड़ जाता है, और उसके कारण ये प्रॉब्लम आने लगती है। ये डिज़ीज़ ऐसा कहें कि ये एक आपने कोर्स ऑफ मेडिसिन लिया या आपने कुछ चेंजेस किए उससे ठीक हो जाएगी, तो आमतौर पे ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग डिज़ीज़ है। ये बेसिकली आपकी बॉडी में जम ही जाती है। और पता कैसे चलता है? सबसे पहले बच्चे का आप देखेंगे तो वजन बढ़ने लगता है, पीरियड्स लेट लेट होने लगते हैं, सो वी कॉल इट डिलेड पीरियड्स। तो उनको 2 महीने 3 महीने 6 महीने तक पीरियड्स डिले हो जाते हैं, और जब आगे ग्रो होते हैं तो प्रेगनेंसी में दिक्कत आती है। प्रेगनेंसी किसी तरह से हो भी जाए तो बाद में ये और जो हम लाइफ स्टाइल डिजीजेस कहते हैं लाइक हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और इवन ओवरी के कैंसर सबके लिए है। तो इस तरह से इन सारी लाइफ स्टाइल डिजीजेस के साथ ही एक चैलेंज बन के हमारे सामने उभरती है। तो इसलिए इसका सॉल्यूशन एक कॉन्स्टेंटली जिद्दोजहद के रूप में हमको अपनी दैनिक दिनचर्या में सुधार करके, डाइट में सुधार करके लेना होगा, और साथ ही अपने डॉक्टर से मिलके मेडिकल ट्रीटमेंट तो जो शुरू करना होता है वो करना होता ही है। और वो भी ज़रूरी है कि आप अपना ट्रीटमेंट सही ढंग से लंबे समय तक जिस तरह आपको सजेस्ट किया जाए उस तरह से लें। अपनी डाइट में फल फ्रूट आप ज़्यादा इंक्लूड करें, जंक फूड अवॉइड करें, टाइम टू टाइम नियमित रूप से खाना लें। ये नहीं कि आपने सुबह से खाना डिले कर दिया फिर आप एकदम रात को देर से खाना खा रहे हैं, तो इस तरह का जो रूटीन है उसको छोड़ के एक हेल्दी रूटीन एक्वायर करके जिसमें आपका सुबह शाम एटलीस्ट आधा घंटा एक्सरसाइज का हो, चाहे वो एरोबिक एक्सरसाइज हो, चाहे वो रेजिस्टेंस एक्सरसाइज हो, चाहे वो वेट बियरिंग हो, आप अपना फिजिकल ट्रेनर के थ्रू भी ले सकते हो। और ज़रूरी नहीं है कि वो फिजिकल ट्रेनर के थ्रू ही लेना है, आप घर में योगा कर सकते हैं, आप एक ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एक्सरसाइज का और अपने खान पान का रूटीन सुधारते हुए, थोड़े टाइम आप अपना मेडिकेशन कंटिन्यू करते हुए इस पे बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हो। सो पीसीओ नो डाउट ये लाइफ लॉन्ग के लिए डिजीज़ होती है, बट ये काफ़ी हद तक कंट्रोल रख के आप एक नॉर्मल जीवन यापन या नॉर्मल लाइफ पा सकते हैं। नमस्कार।